हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं झटपट से बनने वाले कुरकुरे खास्ते और अंदर से सॉफ्ट चटपटा सा नाश्ता। तो झटपट से बनने वाले चटपटा सा नाश्ता कैसे बनते हैं और किस किस चीज़ से बनते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे बनते हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी टिप्स देने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कटोरी ले लिए और एक छोटी कटोरी में हम दाल ले लिए और चाय छन्नी छन्नी रख देते हैं, उसमें हम दाल डाल देते हैं और दाल डालकर ऊपर से पानी डालकर हम इसे धो लेते हैं। हमें दाल को फुलाना नहीं है, बस जल्दी से धो लेना है क्योंकि इसका पानी जल्दी से निथर जाए, ताकि इसका पानी जल्दी से निथर जाए। तो ये हम दाल धो लिए और धोकर पानी को फेंक देते हैं और वापस से उसी कटोरी में हम छन्नी को रख देते हैं ताकि जो पानी है वो गर जाए। अब हम एक पैन ले लिए, उसमें करीब एक चम्मच के करीब हम तेल डाल दिए, सरसों तेल, और चुटकी भर जीरा डाल दिए। जीरा को हम तड़कने देते हैं। जब तक जीरा तड़क जाए, देखिए कटोरी में इतनी सी पानी छूट चुकी है, गर चुकी है। जब ये जीरा तड़क जाए तो हम इसमें डाल देते हैं दाल, जो दाल धोकर साफ़ करके हम रखे थे छन्नी में ना, वो हम डाल देते हैं। और डालकर गैस का आँच एकदम मध्यम करके, इसे हम एकदम कम करके इसे हमें भूनना है, इसका पानी निथारना है। जब तक ये पानी निथर ना जाए, ये सौंधी सौंधी से खुशबू आने ना लगे, तब तक हमें भूनते रहना है। जब ये दाल लाल लगने लगे तब तक हमें भूनना है। देखिए इस तरह से ऐसे ये दाल मेरे लाल लग रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से ऐसे, ज़्यादा में नहीं, बस इतना ही भूनना है, एकदम से लाल नहीं। तो ये मेरे दाल भून चुके हैं, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो हम एक मिक्सी का जार ले लिए हैं, हम छोटा वाला जार दिए, आप चाहे तो बड़ा वाला जार भी ले सकते हैं, और उसमें सारे दाल को डाल दिए और उसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी पुदीना पत्ता, आप चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, जो दो छोटी लाल मिर्च डालिए और डालकर इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो इस दाल को हमें दानेदार पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी। और जब ये पीस जाए तो हमें इसमें इसे एक बाउल में या निकाल लेना है। देखिए इतना दरदरा हमें पीसना है, देखिए इस तरह से ऐसे हम नज़दीक से दिखा रहे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं पीसे, बस इसी तरह से ये दरदरा पीस कर इसे रख देना। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, काली मिर्च आधी छोटी चम्मच और गरम मसाला एक छोटी चौथाई चम्मच, और इसमें एवरेस्ट का तीखा लाल डाल देते हैं, वो कलर के लिए डाल रहे हैं केवल, और डालकर इसे अच्छे से चला लेते हैं, क्योंकि मिर्च तो हम इसमें दो पीस चुके हैं तो इसलिए ये तीखा है। अब अगर आप चाहें तो एक दो मिर्च आप और बढ़ा सकते हैं। अब वापस से उसी पैन में हम एक चम्मच के करीब सरसों तेल डालें और चुटकी भर जीरा डाल दिए। जब जीरा तड़क जाए तो हम हींग डाल दिए चुटकी भर, हींग बहुत ज़रूरी है, हींग डालेंगे तो ये नाश्ते बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अब हम इसमें एक कप पैन में हम पानी डाल दिए हैं, और जब पानी हल्का सा उबलने लगे तो एक चम्मच हम घी डाल देते हैं। घी बहुत ज़रूरी है क्योंकि घी डाल देंगे तो इसमें इसकी चिकनाई से पैन में चिपकेंगे नहीं। अब हम पुदीने के पत्ते चार पांच पत्ते डाल दिए हैं, चिली फ्लेक्स डाल दिए एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डाल दिए हैं और तीखा लाल डाल दिए हैं एक छोटी चौथाई चम्मच, और जीरा पाउडर डाल दिए हैं, और सौंफ जो भूंज कर दरदरा पीस लिए थे उसे भी हम डाल दिए हैं। और डालकर इन सारे मटेरियल को डालकर हम अच्छे से इसे चला लेते हैं। और ये एक कटोरी हम चावल का आटा लिए हैं, चावल ताज़ा पीसा हुआ है, तो जब पानी गर्म हो जाए तो इसे इस तरह से ऐसे डालें, एक हाथ से चम्मच से चलाएँ, चम्मच या कड़ची से चलाएँ, और दूसरे हाथ से आटा डालें, चावल का आटा डालें, तभी इसमें गिल्ठी नहीं पड़ेगी, वरना अगर आप एक साथ डाल देंगे तो आपके आटे में गिल्ठी आ जाएंगे, और जब गिल्ठी आ जाएंगे तो आपके नाश्ते अच्छे नहीं बनेंगे, उसे तोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। तो ये देखिए इस आटे को अच्छे से पका लेते हैं मध्यम आंच पर। जब इस तरह से ऐसे पक जाए तो देखिए जब बर्तन छोड़ने लगे, घी डालने से बर्तन छोड़ रहे हैं, जब बर्तन छोड़ने लगे तो इसे निकाल कर ठंडा होने दें और इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो ये मेरे बन चुके हैं, इसे छोड़ देते हैं। ये गूँथ कर हम एक बर्तन में रख लिए हैं, वापस एक कटोरी में पानी ले लेते हैं और पानी को हाथ में भिगो कर थोड़ी सी बैटर लेकर हथेली पर लगा कर और इस तरह से ऐसे गोल बना लेते हैं, इसका लोई बना लेते हैं। लोई बन जाए तो इस तरह से ऐसे इसको कटोरी बना लेते हैं, और कटोरी बनाकर इसमें हम एक चम्मच ये भरावन डाल देते हैं। अगर आपके कटोरी ज़्यादा बड़ी हो तो एक चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये अगर ज़्यादा भरावन डालेंगे तो ये फट सकते हैं, क्योंकि ये चावल के आटे हैं तो ज़्यादा इसमें भरावन नहीं लगेंगे, बस हल्का सा स्वाद के लिए लगेंगे।
तो इसे हल्के हाथों से इस तरह से ऐसे गोल करें और इसे चिपटा कर ले, देखिए इस तरह से ऐसे। और जब कहीं कहीं फटे लगे तो इस तरह से ऐसे हाथ से इसे ठीक कर लें। और इसी तरह से हम सारे भरावन को भर लेंगे, सारे नाश्ते को भर के रख लेंगे एक प्लेट में। देखिए एक और हम दिखा रहे हैं, सेम उसी तरह से ऐसे। बस हाथ हाथ को पानी में भिगो कर थोड़ी से बैटर लेकर पहले गोल पेड़ा बना लेना है, उसके बाद कटोरी बना लेना है, उसके बाद एक चम्मच इसमें भरावन डाल देना है और धीरे 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 इसे घुमाते हुए बंद कर देना है। और जो बीच का हिस्सा बचे उसे काट कर हम निकाल लेते हैं और फिर से हल्के हाथों से ऊपर से ऐसे दबा कर इसको गोल कर देना है। चाहे तो थोड़ी सी पानी भी लगा दें और गोल कर दें। और गोल कर कर इस तरह से हथेली से के बीच इस तरह से ऐसे दबा के चिपटा कर दे जरा सा। बस ये नाश्ता बन गया। आप चाहे तो आपके बच्चे भी बना ले सकते हैं और इसे बना कर रख दें। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना दिए हैं। ये चावल का आटा का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है नाश्ता। अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरे रहते हैं। अब एक बाउल ले लिए, उसमें हम एक कप के करीब पानी डाल देते हैं, करीब 250 ग्राम के करीब पानी है, और डाल कर इसे ढक देते हैं और मीडियम आँच पर इसे एक उबाल आने तक इसे उबलने देते हैं। ढक्कन हटा कर बीच में देख लेते हैं, ये एक उबाल आ चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं यह नाश्ता। ये नाश्ता हम दो तरह से बनाना दिखाएंगे, आप बस शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहें। तो इसे डाल दिया, डालकर ढक दिए, बीच बीच में इसे खोलकर चलाते रहते हैं या एक आध मिनट बाद इसे देख लें, ये छहल कर ऊपर आ जाएगा। तो आपके नाश्ते जब छहल कर ऊपर आ जाए तो समझिए कि ये नाश्ते बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं यानी। अब इसे करछी या चम्मच की सहायता से छन्नी में छान लेते हैं और इसका पानी गड़ने देते हैं। जब ये पानी गड़ जाए तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से इसे कटोरी पर रख दें ताकि पानी गड़ जाए। अब हम पैन चढ़ाते हैं। ये हम नाश्ता ले लिए हैं बिना पानी वाले, तो अब हम पैन चढ़ा देते हैं और उसमें डाल देते हैं तेल। तेल को हम गर्म होने देते हैं। जब ये तेल गर्म हो चुके, मेरे तेल गर्म हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं, पहले पानी वाला नाश्ता बनाते हैं, जो हम पानी में उबाले थे उसे हम तलते हैं। तो इसे हमें एकदम थोड़ी तेज़ आँच पर तलना है, मीडियम आँच पर इसे हम तल लेते हैं, क्योंकि ये तो अंदर से या बाहर से पूरे ये पक चुके हैं, तो इसे केवल हमें लाल करना है, छानना है, सुनहरा करना है। तो इसे मध्यम आँच पर नहीं, मीडियम आँच पर इसे हमें तलना है। तो ये मीडियम आँच पर हम तल ले रहे हैं और उलट पलट कर हम इसे तल लेते हैं। यकीन मानिए ये नाश्ता बहुत ही अच्छा है। अगर सुबह के भाग दौड़ में हो तो इसे आप चाहे तो पहले से बैटर बना कर रख दें, और जब सुबह का टाइम हो तो झट से बना लीजिए। ये सुबह का नाश्ता में बनाइए या बच्चों के लंच में बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है जो झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, ये मेरे छन चुके हैं, सुनहरा हो चुके हैं, तो हम इसे बारी बारी से छान लिए और छन कर इसे छान लिए और इसे एक प्लेट में रख देते हैं। तो ये तो हो गई पानी में उबाले थे वो वाले नाश्ते। अब हम बिना उबाले हुए वाला नाश्ता बनाते हैं। देखिए ये हम उबाले नहीं हैं, इसे बस डायरेक्ट तल लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर पानी में उबाल के बनाएंगे तो आपके तेल कम लगेंगे, कम ऑयली रहेंगे, और बिना उबाले हुए बनाएंगे तो ऑयली ज़्यादा रहेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। तो अगर आप तेल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो बिना उबाले हुए बनाइए, और अगर कम तेल खाना पसंद करते हैं तो उबाल कर बनाइए। और इसे जब बिना उबाले हुए बनाए तो इसे मध्यम आँच पर ही बना, क्योंकि ये पके हुए नहीं है, तो मध्यम आँच पर इसे कुरकुरा होने तक बना, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे लेकिन कुरकुरे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये मेरे कुरकुरे छन चुके हैं, अब हम इसे निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। तो ये मेरे दोनों नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे दही की चटनी के साथ या टमाटर सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ये देखिए कितने कुरकुरे हैं, ये आवाज़ में ही आपको पता चलता होगा कि कितने कुरकुरे हैं। तो ऊपर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट से हैं। और इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर।